पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपकी बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर से विकास दुबे के साथी उमाकांत ने सरेंडर किया है। चौबेपुर थाने में उमाकांत ने किया सरेंडर। आपको बता दें कि उमाकांत पर 50,000 का इनाम दर्ज था। परिवार समेत थाने पहुंचकर सरेंडर किया है उमाकांत ने। विकास दुबे का साथी था उमाकांत। बिकरू कांड में कई पुलिस वाले शहीद हुए थे और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमाकांत ने सरेंडर कर दिया है। 50,000 का इनाम पुलिस ने घोषित किया था उमाकांत के ऊपर। बता दें आपको कि चौबेपुर थाने में सरेंडर किया है आरोपी उमाकांत ने। विकास दुबे का साथी है उमाकांत दुबे। 50,000 का इनाम उमाकांत दुबे पर लगाया गया था और पुलिस द्वारा इनाम घोषित करने के बाद कई आरोपियों के घर वालों ने उनको समझाया कि सरेंडर कर दें पुलिस थाने में जाकर, वरना उनका भी इनकाउंटर हो जाएगा। तो इनकाउंटर के डर से विकास दुबे के साथी उमाकांत दुबे ने थाने में सरेंडर किया। और ये तस्वीरें थाने से आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, तख्ती जिसके गले में लटकी हुई है वही है उमाकांत दुबे। तस्वीरों में देखिए, ये शख्स जिसके गले में तख्ती लटकी हुई है ये उमाकांत दुबे है, जो परिवार संग थाने पहुंचा सरेंडर करने के लिए। ये वीडियो उसके बाद सामने आया जहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उमाकांत दुबे के साथ दो महिलाएं वहां पर मौजूद है। देखिए, तख्ती में ये लिखा हुआ था, नीचे नाम लिखा हुआ है उमाकांत दुबे। तो उमाकांत दुबे सरेंडर करने थाने पहुंचा। 50,000 का इनाम पुलिस के विभाग की तरफ से घोषित किया गया था उमाकांत दुबे के ऊपर। इनाम घोषित करते ही एनकाउंटर के डर से उमाकांत दुबे ने सरेंडर किया।